फिर आएंगे हम हेलो टू ऑल माय क्विटीज, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हो मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट और मैं जा रही हूँ घर, बिकॉज दिवाली और छठ पूजा है तो मैं मिस नहीं कर सकती। मैं कहीं भी रहूँ दिवाली छठ पूजा पे घर जाना ही है, तो ये तो बस मैं घर जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ घर फिलहाल, इतने महीनों बाद घूम फिर के पूरा, तो बस थोड़ा सा बैठी थी। मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, बस मैं ये दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लिया, क्योंकि आज मेरा मन नहीं था ब्लॉगिंग करने का। इसलिए बैकड्रॉप आ गया, यहाँ पे नए नए सिस्टम आ गए हैं, तो बहुत अच्छा लगा खुद से घर, बहुत अच्छा लगा। और एक बात, आज मैं बिल्कुल इंडियन पहन के आई हूँ, बिल्कुल इंडियन, बिकॉज मेरा मन कर रहा था। मैं हमेशा एयरपोर्ट पे मतलब पहनती थी, बट आज मेरा मन किया कि मैं थोड़ा इंडियन पहन के जाऊँगी। चलो अब मैं यहाँ अंदर, क्योंकि फ्लाइट टाइम हो रहा है, सो सब कुछ हो गया। सो चलो, और चलो फ़ोन भी आने लगा, मैं बता दूँ। इट्स लुक लाइक ऑसम काइंड ऑफ डिसेंट। मेरे बालों को इग्नोर करना, मैं पूरी बिगड़ चुकी हूँ और बस। और इस पानी का बोतल भी धो रही हूँ, मुझे बहुत प्यास लग रहा है। बस आज है छठ पूजा और मैं सुबह से पहुँच गई हूँ, 9 बज रहे हैं और ये देख सकते हो आप, मम्मी बना रही हैं प्रसाद, छान रही हैं और अभिषेक कर रहा है। छत सजाने में है जो मैं अभी आप देख पा रहे हैं, जैसे कि फ्राई हो रहे हैं और मम्मी देख रही है अभिषेक ठेकुआ के लिए। सारे लोग कहते हैं ठेकुआ ये बहुत महाप्रसाद है। अभिषेक आप कुछ कहना चाहते हैं, कमेंटेटरी बॉक्स में बोलिए अभिषेक। अभिषेक मैंने कहा मुझे बुलाने लगा, मेरे को काम करवाएगा अब मेरे से और नाम कमाएगा खुद। नहीं नहीं करता करता, बोलो ना आज ऑस्ट्रेलिया लेकिन हारेगा। हाँ ये कह रहे कि कभी फाइनल नहीं हारता है, क्योंकि ऐसे दो चार लोग हो जाए बस हो गया। पर पता है जो चीज कभी नहीं हुआ रहता है वही होता है अभिषेक अचानक से। ऑस्ट्रेलिया वाले लोग छठ पूजा करते हैं क्या, छठ महामी। तो यहाँ पे हो रहा है डेकोरेशन, छत सजाया जा रहा है, छत सजाया जा रहा है कुछ। तो अभी मैं बच्चे चिल्ला रहे हैं, पड़ोसी के बच्चे रो रहे हैं, तो अभी मैं फूल टाक रही हूँ। जितने फूल बच गए थे उनको मैं ऐसे एक साथ करके फिर जहाँ जहाँ बच्चा होगा मैं वहाँ पे माला टांगूंगी डेकोरेशन के लिए। अभी इतने फूल और इनको ये सुई की मदद से, ये सब थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा, उतनी घुनी तो नहीं, बट लेट्स ट्राई, ट्राई करने में क्या जाता है। ये हो रहा है शाम का अर्घ, डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, तो ये उसी की तरह पूजा चल रही है। छठ पूजा का ये पहला दिन है। Your smile keeps playing, your miles away, yeah. I would go overseas just like that. Don't over. Yeah, like that. I don't understand it. But you keep me together when everything around me keeps me under pressure, yeah. It's so overwhelming, but I will wait forever so you can come and get it. I don't understand it. I don't understand. আমার কিরম দেখছে, হাই করো গুচ্ছু, হাই করো, হাই করো, হাই নানি, নানি উধার, নানি ওই ধর হ্যাপি। ওর চুল্লু কেমন কি আছে দেখো না, আমাকে বলে শিবানী আন্টি, বাই শিবানী।
और सबने अर्घ दे दिया है। आप देख पा रहे हो सूर्य देवता डूब रहे थे तो उसी वक्त अर्घ दिया जाता है छठ पूजा में, तो सबने दे दिया, मैं इस बार नहीं दे पाई। बट तो हमारा छठ पूजा छत पे ही होता है बिकॉज मम्मी का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो चल नहीं पाती है, तो इसलिए छत पे करने से आराम भी रहता है और अच्छे से होता है पूजा, बहुत ही अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होती है। सारे लोग बैठे हुए हैं, अर्घ तो हो चुका है इधर। ए गुच्चू, गुच्चू सुन ही नहीं रहा। तो पूजा हो चुका है, लाइटिंग देखी, लाइटिंग हमने सजाया है, हमने और अभिषेक ने ये सारा मिलके, और ये हमारी छठ माँ। मैं थोड़ा ब्लॉगिंग कम कर पाई हूँ लेकिन क्यों पूरे अच्छे से, और शाम हो चुका है, पूजा हो चुकी है, तो अब कल सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, 4 बजे, तो उसके बाद दिखाएंगे। सारे लोग, आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है तो सारे लोग भाग गए हैं, कोई भी नहीं है, और इंडिया तो 5 बज चुके हैं और कोई रन उतने कुछ खास बने भी नहीं है, पता नहीं क्या होगा मम्मी। पूजा हो जाने के बाद मैं मार रही हूँ छत पे पैतरे, सोच रही हूँ कि कैसे, मेरे फोटोज़ वीडियोज आज ज़्यादा हुए नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कैसे किया जाए, मतलब कैसे फ़ोटोज़ क्लिक किया जाए, क्योंकि सारे लोग क्रिकेट देखने भाग गए हैं, तो मैं क्या ही बोलूँ कुछ, तो वही अभी मैं सोच रही हूँ यहाँ फ़ोटो ले सकते हैं अच्छा, बट लाइटिंग ही नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। मेरा तो मन उड़ गया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच, एक को ना उठ है ना मम्मी। देखिए मम्मी, मम्मी कैसा फील हो रहा है, बोल दो इंडिया मैच जीत जाए, जीत जाए। रन तो बनाया नहीं, मैच ही जीत जाए, 5 विकेट गिर चुका है, 200 कुछ होगा रन, इस बार सब आउट हो। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आज से मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा हो गया था कुछ प्रॉब्लम, उल्टा पुल्टा खा लिया था इसी वजह से, तो ऐसे ही बस सोचा मैं बता दूँ, इसलिए थोड़ा सा आज मेरा बैटरी भी लो है इसी वजह से, उसे थोड़ा ब्लॉगिंग भी थोड़ा ढंग से नहीं कर पाई, मुझे ऐसा लग रहा है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं जैसे कि बैठी हुई हूँ, मैं मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए जब तक थोड़ा देर, जब तक मैं बैठ पाऊँगी तब तक यहाँ मैं बैठूँ। जा चुके हैं क्योंकि अभिषेक तो भाग गया क्योंकि क्रिकेट मैच चल रहा है, पापा का काम था तो वो भी चले गए, मम्मी गई हैं मामा के घर क्योंकि उनके घर कोसी भर आ रहा है, और मैं अकेले यहाँ पे बैठी हुई हूँ, तो मैं सोची चलो जब कोई है ही नहीं घर पे तो मैं आराम से यहाँ पे बैठती हूँ और आप लोग से मतलब ब्लॉगिंग करती हूँ, बात तो नहीं, ये लाइव तो हो नहीं रहा। इतना बुरा लग रहा है, इंडिया हार गया सीरियसली यार, दिल टूट गया, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बस यार आज मूड नहीं है बात करने का, कल ब्लॉगिंग करूँगी, कल सुबह उठना भी है क्योंकि कल सुबह 4 बजे उठना है, तो कल सब बात करने का मन नहीं, अब कल एकदम दिल टूट गया, तो बस यही है। लोग पता नहीं पटाखे क्यों जला रहे हैं, इंडिया हार गया फिर भी, और मैं तो सदमे से निकल ही नहीं पा रही हूँ, क्या ही बोलूँ यार, क्या ही बोलूँ। हेलो, तो अब बज रहे सुबह के 4 और मैं रेडी हो गई हूँ। गाइस आप लोग साड़ी, जो भी लड़के साड़ी पहनते, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप साड़ी कैसे पहनते यार, क्योंकि मुझे पहनने में तो बहुत दिक्कत होती है, मुझे साड़ी पहनने नहीं आती बट अच्छा लगता है पहनना, पर मुझे पहनना पड़ता है, तो सॉरी। मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैं अपने इयररिंग्स नहीं डाले क्योंकि बहुत भारी है यार। ओके, ये रहे मेरे इयररिंग, तो बाद में थोड़ी देर, तो जा रही हूँ अभी मैं, पहले पूजा हो जाए उसके बाद मेरी साड़ी मैं दिखाऊंगी बाद में। अभिषेक पीछे मुड़ो, अभिषेक हाय कर दो, धन्यवाद, हाय किया तो कम से कम, पापा हाय कर दो। हेलो गाइस, यहाँ पे हो रहा है अर्घ सुबह की, मम्मी कहाँ है, अभी मम्मी को दिखाते हूँ। तो यहाँ पे सुबह की, अब सुबह का अर्घ हो रहा है यहाँ पे, सुबह की पूजा हो रही है, बैकग्राउंड की आवाज़ को प्लीज इग्नोर करिएगा, सारे लोग बात कर रहे हैं इसलिए। और मैंने फाइनली अपने इयररिंग्स पहन लिया है, फाइनली मैंने अपने इयररिंग्स डाल ही लिए, थोड़ा भारी था इसलिए मैं इग्नोर कर रही थी, ठीक है।
मिलनी उस साड़ी। और ये सब कोई सूर्य उगने का वेट कर रहे हैं सारे लोग, जिसमें से अभिषेक सबसे ज्यादा, क्योंकि उसको सोना है वापस से। वाव क्या आसमान लग रहा है। और ये देखिए अर्घ शुरू हो गया है, सूर्य देख रहा है उधर से, दिख रहा है। मैं बैठी हुई हूँ आराम से, देख पा रहे हो, मैं यहीं से कमेंट्री करने का सोच रही हूँ इसलिए। देखिए अर्घ शुरू हो गया है, मैं ज़्यादा पास नहीं जा सकती इसलिए मैं दूर से। अभिषेक आप मेरे कैमरे पे हैं। Your smile keeps playing, your eyes are playing. I won't go overseas just like that. Don't overthink it, why can't you stay? Give me the call and I'll just be there like that. I don't understand it, but you keep me together when everything around me keeps me under pressure. ये गुच्चू हैं जो अंधेरे में, जो अभी तक सोए नहीं है, सोने की उनको सुलाया जा रहा है पर ये अभी तक सोए नहीं है गुच्चू। सॉरी, ये देखिए ये गुच्चू अंधेरे में, उनको सुलाने के लिए लाइट ऑफ कर दिया गया है। गुच्चू, गुच्चू बोलो, जूही क्या पहनी थी? साड़ी। जूही अभी भी साड़ी पहनी है गुच्चू। Your smile keeps playing, your miles away, yeah. I would go overseas just like that. Don't overthink it, why can't you stay? आज मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ तो मैंने सोचा मैं विटामिन डी ले लेती हूँ, तो मैं बहुत, आज मैंने बहुत विटामिन डी ले लिया साल भर का। ऐसे तो मौका मिलता नहीं इतनी सुबह जल्दी उठने का, कि आप देख पा रहे हो, तो मैंने आज बहुत सारा विटामिन डी ले लिया। तैयार हुई, अब मेरे को चेंज करने का मन भी नहीं कर रहा, पूजा तो खत्म हो चुकी है बट मैं छत पे बैठी हुई हूँ। तो इसी के साथ छठ पूजा संपन्न हुआ और ये रहे सूर्य देवता, इन्हीं को सबने अर्घ दिया, तो बहुत अच्छे से छठ पूजा हो गया। सो बस यही था मेरा वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कॉमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड जय छठी मैया। Give me the call and I'll just be there like that. I don't understand it.